हाय गाइस, वेलकम टू पाक केमिस्ट। आज हम टेबल के बारे में बात करेंगे। ओहो, लगता है आप गलत समझ गए। नो, नॉट दिस टेबल। आज हम केमिस्ट्री के बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो चलें मिस्टर डोबेरनर से स्टार्ट करते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री देखते हैं। मिस्टर डोबेरनर, इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया था जिसका नेम था द लॉ ऑफ ट्राइएड्स। द लॉ स्टेट्स दैट द मिडिल एलिमेंट इन द ट्राइएड्स हैड एटॉमिक मास दैट वाज द एवरेज ऑफ द अदर टू मेंबर्स। इट मींस जब हम टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ट्राइएड्स, थ्री ट्राइएड्स। ट्राइएड्स मीन्स थ्री एलिमेंट्स, थ्री मेंबर्स। लिथियम हैज़ मास 7, पोटेशियम का मास 39। जब दोनों का एवरेज निकालेंगे तो 23 सोडियम का मास निकल आएगा। बट दिस रूल वॉज फेल्ड। व्हाई इट वॉज फेल्ड, लेट्स सी। सबसे फर्स्ट रीजन क्या था? बिकॉज सिर्फ ट्राइएड्स की बेसिस पर सब एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर सकते थे एंड ही आइडेंटिफाइज ओनली थ्री ट्राइएड्स, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम यूजफुल नहीं रहा और फेल हो गया। फिर आते हैं मिस्टर जॉन न्यूलैंड्स की तरफ। इनके लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव से ही पता चलता है देयर इज समथिंग 8, रिलेटेड टू 8 नंबर। इन्होंने सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया एंड ही ऑब्जर्व दैट एवरी 8 एलिमेंट has the similar property with the first one. That time noble gases were not discovered, so we are not including the noble gases. Means 8 element ki property first element se bilkul similar hai. But this rule was also failed. Reasons ye the ki calcium se higher elements ke liye ye law valid nahi tha. सेकेंडली इन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को मिक्सअप कर लिया था और उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इसलिए इनकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन भी सेट नहीं हो पाई इनके ऑक्टेव टेबल में और ना ही कोई हैवियर एलिमेंट की पोजीशन सेट हो पाई। फिर चलते हैं मिस्टर लॉथर मायर की तरफ। इनकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह थी कि इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया जिससे ये बताया जा सकता था कि एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन द कर्व। ये रहा वो प्लॉट। मैंने यहाँ पर हैलोजन्स को हाईलाइट किया है सर्कल की फॉर्म में। पीक्स पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और उनकी असेंडिंग ऑर्डर की पीक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड, ये सब एलिमेंट्स हैं और इन सबको एक ग्रुप में रखा गया बिकॉज ऑफ हैविंग सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट अगेन लॉथर मायर का टेबल फेल हो गया बिकॉज मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सेम ईयर में डिस्कवर हुआ और मेंडलीव की कंपैरिजन में मेयर का टेबल इनकम्प्लीट था और इनकी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस करती थी ना कि कोई लॉजिकल बेसिस पे। ही इज मिस्टर मेंडलीव। मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के ऑर्डर में। He says the property of elements are a periodic function of their atomic weight and the vertical columns are groups and horizontal rows are periods. Mendeleev tables. Mendeleev ko periodic system banane ka credit diya gaya. वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने न्यू अपकमिंग एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन पहले से ही की हुई थी जो लेटर डिस्कवर्ड भी हुए।
इन्होंने एटॉमिक मास की करेक्शन भी की लाइक बोरॉन, लाइक कुछ यहाँ पर टेबल में गिवन है जो मेंडलीव ने सिर्फ नेम्स दिए थे बट लेटर डिस्कवर्ड होके उनके नेम्स इका बोरॉन टू स्कैंडियम, इका एलुमिनियम टू गैलियम एंड दीज ऑल इका सिलिकॉन टू जर्मेनियम. Now, what are some demerits of Mendeleev table? Number one, position of hydrogen. Hydrogen alkali metal aur halogen ke saath resemble karta tha, isliye hydrogen ki koi position clear nahi thi table mein. Second, position of isotopes. Isotopes ki placement nahi ki gayi thi table mein. Like tellurium or iodine. वैसे तो टेलुरियम को आना चाहिए आयोडीन के बाद, लेकिन इस टेबल में टेलुरियम को पहले रखा गया. नो प्लेस फॉर लेंथनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन इस टेबल. ये है मेंडलीव का टेबल. मेंडलीव टेबल में कुछ स्पेसेस भी रखी गई थी. अब वो स्पेसेस क्यों रखी गई थी, लेट्स सी द आंसर. इन ऑर्डर टू प्लेस एलिमेंट विद सिमिलर properties in the same column, Mendeleev needed to leave spaces for undiscovered elements because he knew later wo elements discovered honge. Now coming to Mosley, he is called the father of modern periodic table. Isne apne table ko atomic number ke base pe अरेंज किया विद रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं. नंबर वन, ही करेक्टेड द मेंडलीव, ऑफ कोर्स ही करेक्टेड द मेंडलीव टेबल. नंबर वन, एनोमलस प्लेसमेंट, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इसने अरेंजमेंट की. लाइक टेलुरियम जो कि मेंडलीव टेबल में आयोडीन से पहले रखा गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आयोडीन के बाद रखा गया. सेकेंडली, लेंथनाइड्स और एक्टिनाइड्स की प्लेसमेंट नहीं थी तो इन दोनों को बिल्कुल बॉटम में रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिकॉज इट रिजेंबल्स विद ईच अदर. थर्ड, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया विद एटॉमिक नंबर. मेंडलीव टेबल एटॉमिक मास की बेस पे था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे. देन लेटर दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज डिस्कवर्ड फाइनली.